वेलकम टू मामा बेटी और लाजो के ब्लॉग में। हम बहुत दिन बाद आपसे मिल रहे हैं बिकॉज थोड़ा बिजी थे हम लोग। मामा बेटी लाडो में आज क्या है स्पेशल? हम हरियाली हरी क्या है हरियाली हरियाली तीज, तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हरियाली तीज, इसलिए हमने सब स्वागत ग्रीन ग्रीन पहना हुआ है। ग्रीन शावर लेक शोर में ही एक मंदिर है, शिव मंदिर, वहीं पे हम हरियाली तीज सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बने रहो हमारे साथ इस हरियाली तीज में और देखो हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या करते हैं और हम लोग के साथ हरियाली तीज मनाओ। और हमारे साथ आप हरियाली तीज मनाइए। अरे वाह, ये देखो लाडो और आंटी को, ये चल रही है लाडो की मस्ती। से हाय, से हाय, हाय, व्हाट आर यू डूइंग? स्विंगिंग, स्विंग में बैठी हो, आर यू एंजॉयिंग इट? वाह, आज क्या है, कौन सा फेस्टिवल है? बेबी देखो, तीज। लग रही है बहुत प्यारी लग रही है। बेबी सब मिलकर बैठना होता है ना। यू ऑल आर लुकिंग प्रीटी 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 प्रीटी। ओ वाओ, गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलजार, गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलजार। आप सभी को रिमा पांडे का प्यार भरा नमस्कार। से हाय, से हाय, ब्रह्मादेश्वर मंदिर एवं बारकरी संप्रदाय एवं आज के मुख्य अतिथि महोदय वरिष्ठ उद्योगपति कल्याण जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ, काम करो ऐसा के पहचान बन जाए, कदम उठाओ ऐसे के निशान बन जाए। जिंदगी तो सभी गुजारते हैं मगर जिंदगी को जियो ऐसे के मिसाल बन जाए। दादा का जीवन हम सबके लिए मिसाल है, समाज में ये सबकी मदद कर, मैंने प्रेम से कहते हैं, पूरा समाज ने रोटाई के नाम से जानता है। मैं अंजलि जी से निवेदन करूंगी, उनका स्वागत करेंगे यहाँ पर। जी हाँ, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं अरुणा ताई का। धन्यवाद मैम, आप यहाँ पर आए, आपने हमारे कार्यक्रम में 4 नहीं बल्कि 14 चांद लगा दिया आप यहाँ पर आकर। आप में अरुणा ताई से ही निवेदन करूंगी कि आज के हमारी अतिथि कल्याण कोर्ट में कार्यरत एडवोकेट श्रीमती पूर्वी देसाई जी यहाँ पर आएंगी और अरुणा ताई उनका स्वागत करेंगी। पूर्वी देसाई जी जो कि कल्याण कोर्ट में कार्यरत हैं। जी हाँ, तालियां जरूर होनी चाहिए, सुना सुना लग रहा है तालियों के बगैर। धन्यवाद मैम, आप यहाँ पर आए, आपने अपना अमूल्य समय दिया हमें इस प्रोग्राम में, आपने 4 नहीं 14 चांद लगा दिए यहाँ पर आकर। आइए कार्यक्रम के आगे की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं कि सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, कि सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने से कुछ नहीं होगा, दिशा बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। आज हमारा समाज किस दिशा की तरफ जा रहा है सभी को पता है, समाज में भ्रष्टाचार इतना, जो भी देखो आप जहाँ भी देखो एक गलत रास्ते पर हमारा समाज जा रहा है। और हमारे समाज को नई दिशा देता है एक हमारा आध्यात्म, हिंदू सनातन धर्म में जो आध्यात्म है
एक मनुष्य को नई दिशा की ओर ले जाता है। जिस दिशा में प्यार होता है हमारे देश में, परिवार में, वही परिवार आगे बढ़ता है और वही देश आगे बढ़ता है। कहते हैं कि माना अंधेरा घना है मगर दिया जलाना कहाँ मना है। तो आइए हम सब मिलकर दिया जलाएं, प्रेम का दीपक, ज्ञान का दीपक, आध्यात्म का दीपक। जैसा कि आपको पता है, हिंदू सनातन धर्म में प्रत्येक कार्य का शुभारंभ दीपक जलाकर किया जाता है। क्यों? क्योंकि दीपक प्रतीक है ज्ञान का, अंधकार से ज्ञान की ओर जाने का। दीपक प्रतीक है मृत्यु से अमरता की ओर जाने का, और अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने का, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समा प्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ये मेरा जो परिवार है, इतना सुंदर, इतना विस्तृत परिवार, बिना उनका तो शोभा होता ही नहीं। तो बस इस परिवार को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि भाई आके यहाँ पर इतना सुंदर हमारे साथ उत्सव किए, उन लोग मिले, नाचे गाए। और मैं उनको, सुरेश दादा तो हमारे एकदम है ही, ताकि हम एक बार भी बोले कि दादा यहाँ पर हम प्रोग्राम करने चाह रहे हैं, तो दादा बिल्कुल करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मन भाया। और उन लोगों को भी हम बहुत धन्यवाद देते हैं जो मेरे साथ, संगीता वर्मा जो सुबह से लेके रात तक मेरे साथ साथ रही, मेरे साथ साथ मार्केटिंग की, हर चीज़ में मदद की। और उस वक्त मेरे घर में जब हम चूड़ी का पैकिंग बना रहे थे, उसमें सारे लोग, जैसे राजेश्वरी हो गई, ललिता हो गई, नीता हो गई, हमारा सारा जो ये ग्रुप है, वो ग्रुप आके हमको बहुत ही मदद किया, बहुत ही, मैंने हर काम में जो डांस किया, बच्चों लोग जो आके बहुत सारे प्रैक्टिस किए, एक दिन में संभव नहीं था इतना सारा प्रैक्टिस करने पर, इसको, इस उत्सव को और भी शोभा बढ़ाने के लिए बहुत ही कार्यक्रम। और हेमा तो कहीं बोलिए मेरा राइट हैंड है, क्योंकि इसका तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसकी बेटी को कल ऑपरेशन है, और आज मेरे लिए यहाँ पे
बहुत भावुक भी हो गई हूँ क्योंकि यमा बहुत साथ दी है इस प्रोग्राम के लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए ये दादा के साथ हमारे जैसे कि ये भाई साहब लोग आए हैं, पूरे जो ये मंच के पर बैठे हुए सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद उनको भी देना चाहती हूँ कि जो ये रात दिन यहाँ मिल के पूरा सफाई किए हैं, ऑर्गेनाइज किए हैं, तो उन लोग को भी हम बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इसमें उनका भी योगदान रहा है, कि काफ़ी योगदान रहा है, चूँकि ये सब भी सारा योगदान रहा है। तो इसलिए ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए और आगे भी नेक्स्ट ईयर भी कोशिश करेंगे सभी सहयोग से, दादा के सहयोग से, सभी मेरे बहनों के सहयोग से ये बहुत अच्छा कार्यक्रम और आगे बढ़ेगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि कहीं बढ़ चढ़ के सभी महिला मेरे साथ भाग लेंगी इस कार्यक्रम में। सबको बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपके जरिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, अपनी संस्कृति से अवगत होने का हमें मौका मिला, आपने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें हमारी संस्कृति से अवगत कराया। रुकना नहीं चाहिए, जब हमारी आंटी इतना अच्छा हमारी दे सकती है वहां, तो हमें भी तो कुछ देना चाहिए ना। वाह 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 वाह, वेरी गुड। सच में हरियाली थी इसका, आज आप लोगों ने सही मायने में इसका लुत्फ उठाया है। ये कार्यक्रम का कुछ भी हमको आता पता नहीं था, हम हरियाली तीज बोलेगा तो हमको कुछ पता ही नहीं था। तो मेरे भाई से बोले, भाई आपको यहाँ पे मेरे को जगह अच्छा दिख रहा है, हम थोड़ा टाइम देंगे तो अच्छा नियोजन करेंगे, कार्यक्रम करेंगे। बोला ठीक है, मेरा क्या सहयोग बनता है बोलो, मैं करता हूँ। तो अंजलि जी ने बहुत अच्छा तरफ से नियोजन किया इधर, हमको ये कार्यक्रम के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन अच्छा से अच्छा नियोजन किया और सहयोग किया। कम से कम हम 8 या 10 दिन हर दिन सवेरे शाम को इधर यहाँ पे मिलके नियोजन करते हैं, तो अच्छे से अच्छा कार्यक्रम का नियोजन और संयोजन किया है, इसलिए इनका ही स्वागत हमारी मीरा जी करेंगी। हाँ, एक साल दो साल डालो। तालियों से हम का स्वागत करते हैं अंजलि मैम का। इतना बड़ा प्रोग्राम उन्होंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया और हम सबको मिलाया, क्योंकि हम लोग इधर को जानते नहीं थे और अपनी संस्कृति से अवगत कराया हमको। हम अंजलि मैम का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और फिर तुरंत तैयार हो जाते हैं कि चलो हम करते हैं मिलके। तो दादा आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम चाहेंगे कि अनु और अभी जो कि अंजलि सिन्हा जी के सुपुत्र हैं, हम चाहते हैं कि वो यहाँ पर आएं और हम माला के साथ उनका स्वागत करेंगे। उनकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी इसलिए वो थोड़ा लेट आए हैं। अंजलि सिन्हा के सुपुत्र जल्दी आते, परंतु थोड़ा तबीयत ठीक नहीं होने के कारण थोड़ा लेट आए हैं।
धर्मेश्वर भगवान की जय। और ठाकरे साहब से हम अनुरोध करेंगे कि माला के साथ उनका स्वागत करें। ओके सब जी, समधी जी आए हैं उड़ीसा से जी। और सभी गणमान्य लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सभी पूरा परिवार और पूरे परिवार के सदस्य ताई जी और साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहे हैं। और जो भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं, हम उन सबका भी आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ आने के लिए, इस कार्यक्रम में योग देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके व्यक्तित्व में बाल गंगाधर तिलक की छाप है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव में समाज को एक जगह जोड़ने की प्रतिभा वहां से शुरुआत की। और वो बात इस पलावा में आने के बाद मैंने सुरेश ठाकरे जी के अंदर देखा। किसी भी त्योहार को, किसी बिरादरी की त्योहार हो, उस त्योहार को अपना त्योहार बना देना ये सबके बस की बात नहीं होती है। तो ये जो ठाकरे जी का, सुरेश ठाकरे जी की ये जो प्रतिभा है, इस प्रतिभा का हम पूरी पलावा की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से, अंतर मन से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और हम चाहेंगे उनकी छत्र छाया में, उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में इसी तरह पलावा के हर बिरादरी के लोग, हर भारतवासी एक छतरी के नीचे आ जाएं। धन्यवाद ठाकरे साहब, आपको बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू दादा। तो आपने देखा ये इवेंट बहुत अच्छा रहा। मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाना चाहती हूँ जो हमारा पूरे पलावा की जान है, जिनके बिना कुछ नहीं होता है। सुरेश ठाकरे जी, ये दादा है। एक मिनट लो। तो ये पूरा इवेंट आपने जो देखा अभी तक से, इनका पूरा सहयोग था इसमें, इन्होंने ही ऑर्गेनाइज कराया है, मम्मी और सुरेश दादाजी मिलके। तो हम दादाजी से जानना चाहते हैं, क्योंकि ये मंदिर, ये जो ट्रस्ट है आप देख रहे हो, जिस मंदिर मैंने आपको सुबह दिखाया, ये मंदिर कैसे, कब शुरू हुआ है, और दादाजी के बारे में, दादा के बारे में कुछ जानते हैं कि क्या है, और आपसे मिलवाती हूँ मैं। पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा रहा सबको इवेंट। ये हमारे जितने व्यूअर्स अभी देख रहे हैं सब, मुझे आशा है उनको बहुत पसंद आया होगा। लेकिन आपके बारे में जो सबको इतना तारीफ कर रहे थे, सबने देखा ये वीडियो, कौन कहाँ से शुरुआत हुई आपकी ये जर्नी, और ये कौन सी मंदिर है, आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार, मैं सुरेश जनार्दन ठाकरे, मैं यहाँ का ही रहने वाला हूँ। कम से कम ये 150-200 बरस पहले का ये हमारे दाद बाबा जी का ये जो मंदिर है, ये पुरातन शिव मंदिर है, स्वयंभूलिंग है। यहाँ पे किसी ने ऐसा बिठा हुआ या ये हुआ कि ये लगा नहीं है, अच्छा तरफ से मंदिर ये हमारा प्रोग्राम। कम से कम ये मैं अभी 55 बरस, मेरे को 59 बरस हो गया, कम से कम हम लोग ये प्रोग्राम 40-42 बरस कर रहा हूँ। तो ये प्रोग्राम, ये जो मंदिर है, ये हमारे धर्मालेश्वर शिव मंदिर है, ये पुराना मंदिर है। यहाँ पे आने के बाद अपने को 2 या 5 मिनट बैठने के बाद अपने को ऐसा महसूस होगा कि इधर आने के बाद शांति और सुख सगुन मिलता है। ये धार्मिक स्थल है, यहाँ के पंचकृषि गांव के, यहाँ के सब मिलके हम महाशिवरात्रि का उत्सव बहुत अच्छा से अच्छा करते हो, हरिनाम, अखंड हरिनाम सप्ताह करता हो यहाँ पे। ये अच्छा से अच्छा मंदिर इसलिए बोला जाता है, यहाँ कम से कम 10-15 गांव के लोग यहाँ पे निकलने को आते हैं। और धर्मालेश्वर शिव मंदिर, ये नाम, ये हमारी ट्रस्ट है, यहाँ के हम ट्रस्ट के मैं अध्यक्ष हूँ धर्मालेश्वर शिव मंदिर के। और ये ट्रस्ट हमारे अच्छा सब काम करते हैं, बच्चों के लिए स्कूल का लिए जो फीस भरना, जिसके लिए गरीब के लिए, और इधर भंडारा भी होता है हमेशा, कम से कम शिवरात्रि के टाइम में 5 या 10 हज़ार लोगों का भंडारा होता है। 8 दिन सप्ताह चलता है यहाँ के हरिनाम, अखंड हरिनाम सप्ताह। और ये कम से कम ये 150-200 बरस पहले के मंदिर है,
हम जब से पैदा हुए तब से यह मंदिर की ये सेवा कर रहे हैं, हमारे दादा बाबा ने किया, हम लोग कर रहे हैं, हमारे बच्चे कर रहे हैं, ये ऐसा करके ये मंदिर का नाम है। और मैं यह पलावा सिटी में रहने को है, हमारी डेवलपमेंट जगह डेवलप को दिया है। मैं इधर का चेयरमैन भी हूँ, ये ट्रस्ट का, इधर का ट्रस्ट का अध्यक्ष और ये सोसाइटी का चेयरमैन भी हूँ। इस अवसर पे हमको छोटा बड़ा कार्यक्रम में भाग लेने को मिलता है और हम करते खुद हम साम दाम दंड लेके सब अच्छा तरफ से कार्यक्रम करने का सहयोग करते हैं। और इधर समछठ पूजा हो या सब जो छोटा बड़ा जो प्रोग्राम हो इसमें हम सहयोग भाग लेके सक्रिय भाग लेके इसमें हम सत्संग के बारे में अच्छा तरफ से, और मैं खुद शाकाहारी हूँ, वारकरी संप्रदाय का अध्यक्ष हूँ, और मैं खुद क्या बोलते हैं उनको, मैं सत्संग वाला खुद हूँ, और बचपन से हम हरिनाम सब सत्संग करता हूँ, पंडरपुर, त्र्यंबकेश्वर और आलंदी पाई वारी जाता हूँ हम दिंडी पैदल लेके। तो ये सब मेरे दाद बाबा जी का सब दिया हुआ आशीर्वाद है, तुम हम लोग का आशीर्वाद है और भगवान की कृपा है, इसलिए ये सब चलता है, छोटा बड़ा प्रोग्राम हमारे यहाँ से होते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दादा ने बहुत अच्छा बोला, हमारे लिए वक्त निकाला ये वीडियो में कुछ बोलने के लिए। आशा है आपको जो भी दादा ने बताया आपको समझ आया होगा। और चलो मैं थोड़ा और अच्छे से आपको अंदर के मंदिर की दर्शन कराती हूँ। कभी भी आप इस तरफ आ रहे हो, लेक शोर आ रहे हो, आप लोग डेफिनेटली हमारे लेक शोर के बहुत सारे व्यूअर्स हैं और डोंबिवली के तो बहुत लोग हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप लोग कभी भी इस तरफ आ रहे हैं तो ये मंदिर की दर्शन ज़रूर करें। दादा ये धर्मालेश्वर मंदिर है, आपको लेक शोर के अंदर से भी आप आ सकते हो, बाहर का भी रास्ता है, तालाब के साइड पे है, तो आप आ रहे हैं तो यहाँ जरूर दर्शन कीजिए। ये आरूपी मंदिर है, मैं आपको लेके चलती हूँ, थोड़ा आप दर्शन कीजिए। और खुद से खुद कभी इस तरफ आना हो, कभी दर्शन करना हो तो आप ज़रूर आए और दर्शन करें। वैसे तो मैं आपको अभी फ़िलहाल फिर से दर्शन करा रही हूँ। तो आपने अभी सुरेश दादा को देखा, आपको इतने अच्छे से दादा ने पूरे इस मंदिर के बारे में, इस फंक्शन के बारे में बताया। और ये है अरुणा ताई हमारी, और ये है सुरेश दादा की वाइफ, पूरे पलावा की जान। लेकशोर में जब भी आप देखते हो, जब भी मैं कुछ वीडियोस बनाती हूँ या कुछ ऐसा इवेंट होता है जहाँ सुरेश दादा है तो ताई का तो होना बनता ही है। तो हमारे साथ है आज, देख पा रहे हो तो खत्म हमारा आज का दिन, बहुत अच्छा लगा। भाभी बहुत लेट से पहुंची, लेट हो गया, लेकिन अच्छा लगा लेट से भी पहुंची। भैया का थोड़ा तबीयत ख़राब है इसीलिए स्टार्टिंग से नहीं आ पाई, बट लेट से ही आई, लेकिन आई अच्छा नहीं माना। हाँ, तो आशा है आपको पूरे दिन का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो। अभी हम लोग घर की तरफ निकल रहे हैं पैदल, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलो। पसंद आया ये एपिसोड
और सबको, सब औरत को हमारी तरफ से हैप्पी तीज। तो चलो फिर मिलेंगे हम नए कंटेंट में, नए ब्लॉग के साथ, नए सवेरे में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय।